हेलो एंड हाय दोस्तों, आज हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। जैसे कि आप कॉमर्स जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ में या ग्रेजुएशन में, तो आपके माइंड में एक बात सबसे पहले आती है कि हम आगे चलकर अकाउंटेंट बनेंगे। अकाउंटेंट में जैसे ही बनने की बात आती है तो आपके माइंड में सॉफ्टवेयर्स को कैसे ऑपरेट या कैसे यूज करेंगे, तो उस रिगार्डिंग आप के माइंड में आते हैं। और सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है आपके माइंड में वो आता है टैली, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एक बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, एक टैली सॉफ्टवेयर जिसको कि हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं और हर एक अकाउंटेंट इसके बारे में जानता है या जो कोई पढ़ता है उसको बताया जाता है कि टैली है, जो कि एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो ईजली है अकाउंटिंग फंडे को यूज करने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको बताऊंगा कि टैली में आप बेसिकली कैसे काम करोगे और टैली को कैसे यूज करोगे, क्या क्या चीज़ फंक्शन है, क्या चीज़ उसमें होता है, कैसे करते हो आप एक एंट्री से लेके बेसिक चीज़ें। तो हम आपको दिखाते हैं, टैली हमारा ओपन हुआ। टैली में फर्स्ट हम आपको 20 चीज़ बताएंगे कि टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। टैली हमारा ओपन हुआ, इसमें कोई डाटा नहीं है। अब हमें देखना है कि मुझे कंपनी क्रिएट, अब जैसे ही आपने टैली ओपन किया तो आपके पास तीन चार फंक्शन दिख रहे हैं। क्विट पहला आ रहा है सेलेक्ट कंपनी, यदि आपके डाटाबेस में ऑलरेडी कंपनी होगा तो यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो ऑप्शन आपको एक कंपनी वहाँ से शो करेगी, उसमें आप काम स्टार्ट करोगे। लॉगिन एज रिमोट यूजर, ये होता है कि नहीं आप यूजर्स आप कैसे टैली यूज कर रहे हो उस बेसिस पे होता है कि कंपनी में टैली इंस्टॉल किया। बैकअप रिस्टोर, और ये है मेन आपका क्रिएट कंपनी। यदि आपके पास कोई कंपनी नहीं फर्स्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसे नेम ऑफ कंपनी मैंने दे दिया, कोई भी कुछ सपोज ABC लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका एड्रेस, कुछ भी एड्रेस आपको एड्रेस देना कंपलसरी है, और बेसिकली स्टेट दोना देना स्टेट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब GST के एप्लीकेबिलिटी की वजह से आपका स्टेट के हिसाब से कोड और GST SGST वेरी करता है, इसलिए स्टेट आपका एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप मेल एड्रेस फ़ोन नंबर डाल सकते हो जो कि आपके बिलिंग प्रिंटिंग में काम करता है। यदि आप किसी को बिल इशू कर रहे हैं तो यहाँ से सारा आपका एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह मोबाइल वेबसाइट की डिटेल एवरीथिंग यहाँ से शो कर दिया। हम फिलहाल मैं आपको स्किप करता हूँ कि आप अपने हिसाब से एड्रेस मोबाइल नंबर सब कुछ आप डालिए, एवरी डिटेल जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब ये पूछता है फाइनेंशियल, अब आप अकाउंटिंग कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो पीरियड का फाइनेंशियल ईयर कहता है कि फिर आप कब से अकाउंट अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन स्टार्ट करोगे, वो डिटेल मांगते हैं। फिर यहाँ से आप यदि अपने टैली में पासवर्ड लगाना चाह रहे हो कि कोई और ओपन ना कर सके आपके फाइल को, तो यहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पासवर्ड डालोगे, दोनों कंफर्म करोगे, क्रिएट कर दोगे। यूजर्स कंट्रोल में आप डालोगे, जैसे ही एस करोगे तो यहाँ पे नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर वही है कि यूजर पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए, जो कि आप इसको हैंडल करो और कोई इसमें आपके डेटा को नहीं करेगा। फिलहाल मैं नो करता हूँ, मैं कोई भी अभी लगा नहीं रहा हूँ IT पासवर्ड, क्योंकि मुझे यूज करना। अब करेंसी सिंबल रुपीज़, यानी कि आप इंडिया में हो, रुपीज़ का सिंबल इंडिया में INR इंडियन रुपीज़ यूज होता है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मुझे अभी कोई सफिक्स नहीं करना है, सफिक्स करने के लिए आता है यूज कर सकते हो आप। फिर एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल एस, जैसे ही रुपीस लिखे तो उसे बीच में स्पेस हो वो चाहिए मुझे। सो अमाउंट इन मिलियंस, नहीं इंडिया में मिलियंस में नहीं चलता है, बेसिक्स में चलता है। डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यदि हम दशमलव के बाद से कितनी अंक तक हमें चाहिए अपनी फिगर, उतना तक हम लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6 या जो भी, हमने दो दो तक दिया 8 बाय डिफॉल्ट। वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, क्या कि डेसिमल के बाद यदि पैसे अमाउंट का फिगर आए तो उसे किस में हम
दिखाया पैसे में, जैसे 1 रुपये 10 पैसे, तो 1.10 को 1 रुपये 10 पैसे यदि वर्ड में लिखे तो, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पर अमाउंट इन वर्ड, यदि वर्ड में लिखना हो तो दो दो तक के ही पॉइंट के बाद टू प्लेस को ये पैसे में वर्ड में कन्वर्ट करें, ठीक है। इस तरीके से आप बेसिकली है आप कंपनी अपनी क्रिएट कर सकते हो, जो कि हमने बताया ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका कंपनी का नाम हुआ, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, स्टेट डालना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले बोला जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए स्टेट डालना आपका बहुत ज़रूरी है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा डेटा आपका करेक्ट हो, क्योंकि आप कल को भी बिल इशू रेज करते हो किसी को भी सेल बिल, तो इसमें ये सारी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती है। बाकी है आप यहाँ से सिक्योरिटी लगाओ, अपने फाइल के लिए सिक्योरिटी लगाओगे, पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे हो तो कोई एक्सेस ना करे वहाँ से हो जाएगा, फिर ये बेसिक चीज़ें हैं करेंसी के लिए इन्फॉर्मेशन। अब जैसी एस एक्सेप्ट अब आया आपके पास, एक्सेप्ट एक्सेप्ट आप जैसे ही करोगे ये फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा, कंपनी क्रिएट हो गया, मैं एक्सेप्ट किया, एस किया, या आप इंटर मार सकते हो, दोनों चीज़ चाहे वाई करिए एस हो जाएगा या इंटर मार लीजिए, मैंने वाई किया मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। ABC लिमिटेड, देखिए ABC लिमिटेड अभी मेरी न्यू कंपनी है। अब कुछ फंक्शन, अब देखिए ध्यान से, पहले हम आपको राइट साइड में कुछ मेनू शो कर रहे हैं, सेलेक्ट कंपनी, जैसे इनिशियल मैंने किया तो वहाँ सेलेक्ट कंपनी, यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से F1 डायरेक्ट F1 प्रेस करोगे तो आपके पास कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो करने लगेगा। उसके बाद आपको कंपनी को क्लोज करना है तो ये दिखा रहा है F1 सेट कंपनी, लेकिन इसके नीचे आपके पास एक बार दिख रहा है, इस दिखाता है कि आपको Alt F1 करना पड़ेगा, इसको Alt F1 करोगे तो आपके पास सेट कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। उसी तरह डेट आपको डायरेक्ट को डेट निकालना देखना है तो F2 आप करोगे तो डेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको डेट का पीरियड चाहिए, यानी कि पीरियड चाहिए, यानी कि पीरियड सेलेक्ट करना है, एक तो FN से F2 करोगे तो एक पर्टिकुलर डेट आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड चाहिए तो आपको फिर Alt F2 करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पीरियड सेलेक्ट करें। देखिए Alt F2 मैंने किया, ये पीरियड फ्रॉम से कहाँ किस पीरियड का आपको कोई भी चीज़ देखना चाह रहे हो। मेरे पास कंपनी ऑलरेडी खुली है, इसलिए कंपनी का मेरा A F3 कंपनी का मेरा बंद है। यदि आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं तो Alt F3 आप करिए प्रेस। देखिए कंपनी की इन्फॉर्मेशन में सेलेक्ट कंपनी वही आएगा, सेट कंपनी आएगा, क्रिएट कंपनी आएगा, चेंज टेलीवॉट, ये बेसिक बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ से देख सकते हो। फिर कनेक्ट होता है, यानी कि आप अपने कंपनी का डाटा किसी और के साथ में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड जैसे वहाँ पर मिल जाते हैं उससे आप अपना डाटा वहाँ से सिंक करने के लिए। बेसिकली ये कंपनी डाटा, यदि आपका कंपनी के कई ब्रांचेस चल रहे हैं और हर जगह अकाउंटिंग अलग अलग हो रही है और उनका डाटा को आपको सिंक करना है तो आप कनेक्ट कंपनी करके डाटा सिंक करके आप सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू आओगे और डाटा सिंक हो जाता है और एक ही जगह डाटा आ जाएगा, हर जगह एंट्री हुई और सारे डाटा एक जगह है। इसके बाद आपके पास आता है नीचे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगर। फीचर्स F11 आप प्रेस करोगे आपके पास फीचर्स शो करेगा। फीचर्स में बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर्स, स्ट्रक्चर फीचर, TSS फीचर जो कि डिसेबल है, TSS फीचर जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि ये टैली से कुछ हमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराने हैं तो वो TSS फीचर टैली देता है, यदि हम जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि नहीं हम अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके यूज़ करना है हमें टैली और उसमें फीचर डालना तो TSS फीचर के थ्रू टैली उसको देता है हमें। ऐड ऑन फीचर में ये भी स्पेशल फीचर है। अकाउंटिंग फीचर में आए तो अकाउंटिंग से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जनरल कि हमें अकाउंट को मेंटेन करना है, केवल अकाउंट मेंटेन करना है, नो मेरे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग यानी इन्वेंटरी रखना है, तो यहाँ पे आपको जिस हिसाब से अभी मेरे पास आया मेंटेन पेरोल,
मैं यहाँ पे एस किया तो मेरे पास पेरोल भी आ जाएगा, जैसे कॉस्ट सेंटर भी, कॉस्ट सेंटर के बारे में हम बताएंगे आगे आपको चल के इधर है। फिर जैसे कि बजट, यदि आपकी कंपनी का बजट भी बनाना है तो बजट आप इस बैंकिंग फीचर में आप चेक प्रिंट करना चाह रहे हो, ट्रांजेक्शन टाइप्स, सेट बैंकिंग फीचर्स, सेट पोस्ट हैंडल, तो उस हिसाब से अदर जीरो फंक्शनलिटी आप जैसे एस करोगे ये आपका अकाउंटिंग फीचर चेंज होगा। उसी तरह इन्वेंट्री आपके पास है कि आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, स्टोरेज के आपके पास, ऑर्डर प्रोसेसिंग आप इनेबल करना चाहते हो उसके हिसाब से, फिर इनवाइसिंग में आपका आपका मेथड क्या होगा, परचेज मैनेजमेंट आपको करना है उसको कैसे आप करोगे, सेल्स मैनेजमेंट करना है वो चीज़ से, फिर अदर्स फीचर में ट्रैकिंग नंबर्स, रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन है मा रिजेक्ट हुआ तो वापस आया, यूज मटेरियल एंड आउट वाउचर, मटेरियल यूज हुआ और उसके वाउचर को जो आउट हुआ ट्रांसफ़र वाले वाउचर, उस वो सारे फीचर हैं, उस तरीके से हम फीचर को यूज कर सकते हैं। फिर इससे से एंड टैक्सेशन, टैक्सेशन में आपके पास यूज में है जैसे GST एप्लीकेबल है, ठीक है, आपका वैट खत्म हो गया, एक्साइज यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं एक्साइज एप्लीकेबल है तो आप एक्साइज कर सकते हैं, सर्विस टैक्स खत्म हो गया आपको सर्विस टैक्स डालने की जरूरत है, TDS इनेबल, TDS आप TDS को इनेबल कर सकते हो, TDS का कैलकुलेशन हो जाएगा, यदि TCS को आप इनेबल करना चाहें तो TCS इनेबल, पेरोल स्टेशनरी, यस हम पेरोल यदि यूज करेंगे तो पेरोल स्टेशनरी भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये करते ही देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारा सारा कंपनी का सारा डिटेल मांग लिया कि यदि हम बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे हम पेरोल की स्टेशनरी में पेरोल में हमारे पास तीन चार चीज़ें आती हैं जैसे प्रोविडेंट फंड, ESI, PF हम जैसे चलते हो प्रोविडेंट फंड, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और उसके बाद तीसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स जो कि बहुत स्टेटों में स्टेट्स में लगता है, उनकी डिटेल्स यहाँ पे हम डाल सकते हैं। फिर NPS यदि एम्प्लॉय को हम नेशनल न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में हमने डाल रखा है तो उसको हम इनेबल करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे, गवर्नमेंट के लिए होता है, अदर के लिए हम डाल के हम यहाँ से हम अपने पेरोल के लिए, तो ये बेसिकली पेरोल के लिए अभी हम फिलहाल नो करते हैं। और यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का सिन नंबर और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करेंगे मेरे पास सेव हो जाएगा डेटा, ठीक है। यहाँ से हम फीचर में आए, अब हम आते हैं अपने इन मेनूज़ पे। मेनूज़ में फर्स्ट मेरा मेनूज़ है मास्टर्स, मास्टर में तीन है, अकाउंटिंग इन्फो, पेरोल एंड इन्वेंट्री, इनका यूज क्या होता है ये हम बताएं। फिर इसके बाद ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स में भी आपके पास तीन मेनू आए, अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग इन्फो से अकाउंटिंग वाउचर, फिर इन्वेंट्री वाउचर्स, इन्वेंट्री इन्फो से आया, और पेरोल इन्फो से पेरोल वाउचर्स। यहाँ पे ये पूरा ट्रांजेक्शन यानी ई अकाउंटिंग है मेरा, ये है मास्टर क्रिएट करने के लिए, किसी का लेजर क्रिएट करना है, मास्टर क्रिएट करना है तो मेरा यहाँ से क्रिएट होगा, ट्रांजेक्शन करनी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करनी उसमें ये यूटिलिटीज इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटीज जो उपयोगी हैं, इंपोर्ट डाटा, यदि हमारे पास कोई डाटा है उसको इंपोर्ट करना है, आज पर टैली के हिसाब से डाटा है तो हम उस डाटा को इंपोर्ट करके हमें एंट्री नहीं करनी पड़ती है, और ये बैंकिंग के कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद मेरे पास है ऑडिट एंड कंप्लायंसेस, ऑडिट एंड कंप्लायंसेस बहुत बड़ा फीचर है, ऑडिट है कि नहीं आपके अकाउंटिंग हो उसको आपको वेरीफाई करना है डाटास, यानी किसी एक के पास इसके लिए फीचर्स होता है जो कि यूज करता है। इसके बाद मेरे पास रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में चार आपको पता है, बैलेंस शीट, हर अकाउंटेंट को पता है कि बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है, P&L क्या होता है ये भी पता है आपको, स्टॉक समरी जो आप स्टॉक मेंटेन करते हो उसके समरी, रेशियो एनालिसिस यानी बहुत सी हैं आपके रेशियो एनालिसिस जो कि शो करेगा, जैसे प्रॉपर्टी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, असेट्स रेशियो, टर्नओवर रेशियो, तो एवरीथिंग है, कैश फ्लो रेशियोस, वो सारे रेशियोस हैं एनालिसिस आपको रेशियो एनालिसिस में आते हैं। फिर डिस्प्ले एंड मल्टी अकाउंटिंग है, डिस्प्ले में आप जैसे ही करोगे आपको डिस्प्ले देखना है क्या चीज़ है यहाँ से, अब देखिए डिस्प्ले में हम डी जैसे ही यहाँ पर डी हाईलाइट हो रहा है, डी जैसे ही प्रेस करोगे आपका डिस्प्ले में आ जाओगे। अब एक तरफ से हम पास आते हैं डिस्प्ले में बात करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो, अकाउंटिंग इन्फो में हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमें लेजर क्रिएट करने के लिए,
लेजर हम कैसे क्रिएट करेंगे, पार्टीज का या एक्सपेंस का, असेट्स का, लाइबिलिटीज का, किसी भी चीज़ का हम लेजर, अकाउंटिंग लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास पहले हो जाता है लेजर्स, लेजर और उसका ग्रुप। ग्रुप क्या चीज़ होता है? ग्रुप्स में हम कहें तो हम कहें कि कुछ चीज़ होती हैं एक ही नेचर की, लेकिन उनका ग्रुप अलग अलग तरीके का होता है, तो उनको हम ग्रुप डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रुप्स में हम बताएं आपको, आते हैं हम दिखाते हैं ग्रुप्स कैसे हम क्रिएट करते हैं। अब मेरे पास देखिए, एक है मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए ग्रुप को आपको कैसे हम बताएंगे। और दूसरा है मेरे पास ये परचेज बिल, ठीक है, ये मेरा परचेज बिल है। अब परचेज मैंने इन्हें क्या है, तो ये मेरा परचेज में डालूंगा, तो जो ये पार्टी होगी मेरे लिए क्या होगी, क्रेडिटर। क्रेडिटर, अब इसको हम क्रेडिटर करेंगे, और ये जो पैसा, दोनों को पैसा मुझे देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी बिल को लिए, तो मुझे पैसा किसको देना पड़ेगा, BSES यमुना पावर को, ये भी मेरा क्रेडिटर खड़ा होगा, और इनसे मटेरियल मैं परचेज करता हूँ तो ये भी मेरी पार्टी क्या होगी, क्रेडिटर होगी, इसको भी मुझे पैसा देना है। लेकिन दोनों का मेरा नेचर अलग है, तो इसके लिए मैं ग्रुप दोनों को अलग ग्रुपिंग में मैं डाल सकता हूँ। अब ग्रुपिंग में मैं कैसे अलग डाल सकता हूँ कि ग्रुप में क्रिएट करूँ कि एक एक का ग्रुप मैं क्रिएट करता हूँ कि क्रेडिटर्स यानी क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर यानी कि मेरे क्या हो जाए, ट्रेड यानी कि वो क्रेडिटर जो कि जिनका कि मेरा काम, जिसे कि मैं कोई परचेज करता हूँ, उनको मैं कहाँ पे डाल दूँ, ट्रेड क्रेडिटर में। और दूसरा है कि एक्सपेंसेस या अदर क्रेडिटर्स, उनके लिए ग्रुप में क्रिएट कर दूँ, जितने भी एक्सपेंसेस के लिए हैं, चाहे वो टेलीफोन एक्सपेंस के लिए जो भी है, उनके लिए जो भी हम मारेंगे एंट्रीज जो करेंगे, उनको जो पैसा देना होगा वो अदर्स में चले जाएंगे, अदर पे, अदर क्रेडिटर। और ये होगा ट्रेड, जिनसे हम ट्रेडिंग केवल करते हैं, जिनसे कि हम माल परचेज करते हैं, तो वो मेरा ग्रुप में, दोनों मेरे क्रिएटर हुए लेकिन दोनों के लिए ग्रुप अलग अलग हुए। जिनसे हम, जो भी नया मेरा क्रिएटर आएगा, जिनसे कि हम मटेरियल परचेज करें, उनको हम ट्रेड क्रिएटर में डाल देंगे, और जिनसे कि हम एक्सपेंस, जिनके थ्रू मेरे पास एक्सपेंस आता है और उनको मुझे लाइबिलिटी होती है पे करने के लिए, उनको हम अदर क्रिएटर में डाल देंगे। दोनों क्रिएटर में हो गए यानी उनके लिए ग्रुप हो गया। उनको उनका लेजर, उनके नाम से लेजर क्रिएट करने के लिए सिंगल है, यहाँ से हम लेजर क्रिएट करेंगे उसका, जैसे कि मैंने BSES यमुना पावर, मेरा नेचर क्या है, अदर क्रिएटर, यहाँ पे हम BSES यमुना पावर, यहाँ पे इसको क्रिएट किया। यहाँ पे मुझे हेड डालना, बहुत इंपॉर्टेंट कि मुझे हेड में डालना। अभी मैंने ग्रुप नहीं क्रिएट किया, तो मेरा क्या है, एक क्रिएटर, मैं ग्रुप क्रिएट करते था तो वहाँ से मेरा, अब मैं आपको ग्रुप ही क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ से ग्रुप क्रिएट किया, सिंगल मुझे ग्रुप क्रिएट करना है। मैंने आपको क्या बोला, अदर क्रिएटर, अदर क्रिएटर, यहाँ पे मेरा संडे क्रिएटर्स में, ठीक है, ठीक है। अब मैं ग्रुप हो गया मेरा लेजर, लेजर में क्रिएट करना है मुझे BSES यमुना पावर, ठीक है, यहाँ पे मुझे अदर, अदर क्रिएटर्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे डेली का कुछ भी, यहाँ पे अब देखिए पार्टिकल, ये मेरा किसका है, पार्टी का लेजर, पार्टी का एड्रेस ये भी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से GST किया जाएगा। उसी तरीके से अब GST में मेरा जैसे ही है कि मांग रहा है कि रजिस्टर है, अनरजिस्टर्ड है, रेगुलर है, कंज्यूमर है, कंजप्शन है का, अभी मैं, मेरे पास GST का मुझे पता नहीं, मैं अनरजिस्टर्ड करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ख़त्म किया। ये मेरे पास मेरा लेजर क्रिएट हो गया, ठीक है। यदि मुझे लेजर, कई लेजर एक साथ में क्रिएट करने हैं, यानी कि मेरी कंपनी नई है, एक साथ में क्रिएट करना है, यहाँ पे इसका ग्रुप डालेंगे, यहाँ पे नाम करते चले जाएंगे और
मल्टी लेजर एक साथ में, क्योंकि नई कंपनी के लिए आपको लेजर क्रिएट करने की। उसी तरीके से कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर बहुत इफेक्टिव हमारा होता है, जिसका हमको लेजर नहीं क्रिएट करना, यानी हम अननेसेसरी लेजर नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको हम कॉस्ट सेंटर के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। और हमें अकाउंटिंग लेजर कम क्रिएट करके हम कॉस्ट सेंटर से उसको मैनेज करके हम रिपोर्टिंग में अपना कर सकते हैं। ये इस तरीके से वाउचर टाइप, वाउचर टाइप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वाउचर टाइप हमें क्रिएट करने के क्रिएट करते हैं हम, और इसको मैनेज करने के लिए फिर स्टेशनरी इन्फो में मेरे पास टीडीएस नेचर आ गया और टीसीएस नेचर, इनकी हम अकाउंटिंग। उसी तरह पेरोल में मेरे पास आया एम्प्लाई ग्रुप, एम्प्लाई का ग्रुप हमें निकालना है, जैसे ग्रुप हमें क्रिएट करना है, लेबर हैं, एम्प्लॉई है, मैनेजर हैं, यानी कि किस हमारे नेचर आप एम्प्लाईज़ के ग्रुप कितने हैं, कितने लेवल पे मेरे एम्प्लाई हैं, उसके बाद उस हिसाब से यानी कि पोस्टिंग के हिसाब से हम अपना एम्प्लाई का कैटेगरी, हमारे पास टोटल कंपनी में 10 पोस्ट हैं तो 10 पोस्ट हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद एम्प्लाई मेरे क्रिएट होंगे, उनको उस पोस्ट में हम डालते चले जाएंगे। अब वर्क कैसे है, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप, वो किस अटेंडेंस कैसे लगेगी या प्रोडक्शन कैसे होगा उनका कुछ। फिर पे हेड, पे में पेरोल में हेड मेरे क्रिएट करना है। पेरोल में हेड जितने भी आपके हैं, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस, जो भी है आप सारे यहाँ से आप एक्सपेंस उसको बुक करोगे। फिर वाउचर टाइप, यहाँ पर भी वही वाउचर टाइप। और इसके बाद आता है आपके पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो कि आप इन्वेंट्री से आप क्या समझते हो, दैट इज स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड है आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूजर में मेजर, यूनिट मेजरमेंट, कॉस्ट, एप्लीकेशन स्टोरी इन्फो, टैक्स रेट सेटअप या वो चीज़। स्टॉक ग्रुप में वही आया आपके पास स्टॉक ग्रुप, कि स्टॉक का ग्रुप क्रिएट करने का मतलब क्या है। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम आपको बताएं कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करें। जस्ट लाइक आपके पास मोबाइल आइटम है, मोबाइल आइटम में आपके पास दो कंपनी के मोबाइल आते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप आप क्रिएट करोगे मेन ग्रुप, तो हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल में आपके पास मेन ग्रुप आएगा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल, अब मोबाइल में मेन ग्रुप, फिर एक आप ग्रुप इसका क्रिएट करोगे सब ग्रुप, उसमें कंपनी का मोबाइल किसका है, सैमसंग, MI, दूसरा सब ग्रुप क्रिएट हो गया। इसके बाद स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में क्या आएगा, मॉडल, स्टॉक आइटम में मॉडल आएगा, ये मॉडल किसका है, सैमसंग का, वो ग्रुप ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेगा कि ये मेरा मोबाइल है। जैसे ही आप सैमसंग करोगे वो मोबाइल ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट कर लेगा, तो उस हिसाब से आपका स्टॉक यूनिट, वो स्टॉक को आप किस में है, नंबर में, क्वान्टिटी में, किस चीज़ में आप डालना चाह रहे हो, जैसे NOS। अब देखिए यहाँ से बंडल, बैग, बल्क, बोल्ट, बॉक्स, इतना बन, कैन, कैंस, ये सारे आइटम, केजेस, किस चीज़ में आप, जो आइटम है आपको उसको किस चीज़ में आप उसको देखना चाह रहे हो, यूनिट में देखना चाह रहे हो, किस चीज़ में देखना चाह रहे हो, रोल्स में है, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ दिखेगा और यूनिट यहाँ से क्रिएट होगी। बाउचर टाइप वहीं से स्टॉक के लिए बाउचर टाइप हो जाएगा, और स्टेशनरी इन्फो में TDS यदि है तो है, और टैक्स रेट में उस पर आप GST यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि उस आइटम पे GST क्या लग रहा है, यानी कि उस स्टॉक आइटम पे, तो अब स्टॉक आइटम। इसके बाद आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आया, मास्टर है, यहाँ से आप अकाउंटिंग के केवल मास्टर आप क्रिएट कर सकते हो, इन तीन से आप एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री करने के लिए आपके पास भी, आप यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर रहा भी आप प्रेस करोगे शॉर्ट में, तो आपके पास भी से अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने के लिए मेरे पास देखिए, अब यहाँ पे भी वही दिखा है कि इन्वेंटरी वाउचर क्रिएट करना चाह रहे हो या पेरोल का वाउचर। मेरे पास अभी अकाउंटिंग वाउचर पे ही हम आए, तो अकाउंटिंग वाउचर आपका अनहाइलाइटेड। इसके बाद डेट, आपको डेट मोड करना है कि नहीं, किस डेट को आपको उसका वाउचर का डेट डालना है उस हिसाब से। फिर इसके बाद कंपनी, मेरा खुला हुआ ऑलरेडी तो इसलिए कंपनी अनहाइलाइटेड है। अब हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन किस टाइप की है, जो हम एंट्री करना जा रहे हैं वो क्या चीज़ है। पहला आया मेरा कॉन्ट्रा, F4 से करो कॉन्ट्रा की कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, कैश टू बैंक,
बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक, यानी हम कैश टू बैंक, कैश को बैंक में जमा करा रहे हैं, या बैंक, या बैंक टू कैश, या बैंक से हम कैश निकाल रहे हैं। ये हो गया एक बैंक टू बैंक, मेरे पास दो बैंक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वो क्या मेरी होती है कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजेक्शन हो जाएगी। पेमेंट, हम किसी को अब कैश पेमेंट या बैंक के थ्रू पेमेंट करें, कैश पेमेंट हम क्या करें, या तो कैश से पेमेंट करेंगे या अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। कोई भी हम पेमेंट करेंगे तो वो एंट्री मेरी F5 से सीधे पेमेंट में जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने BSC, हम पेमेंट किससे करें, मेरे पास अभी बैंक मैंने कोई नहीं किया, और मैंने BSES एक पार्टी थी जिसको हमें करना, यहाँ पर मैं 10,000 जैसे ही मारूंगा तो मेरा 10,000 पे कंट्रोल सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्शन डालेंगे कि ने किस बिल नंबर 1, यानी किस बिल के अगेंस्ट हम पे कर रहे हैं, जो भी बिल था हमने पीछे बिल रेज किया था बिल नंबर 20 के अगेंस्ट, एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे मेरा 10,000 का बिल का 10,000 का कैश का पेमेंट हो गया। उसी तरीके से रिसिप्ट, रिसिप्ट यानी किसी से पैसा आया तो उसकी रिसिप्ट में एंट्री हम करेंगे, पैसा आया जिस भी कैश में या बैंक में, यहाँ मेरे पास कैश या बैंक, मेरे मैंने अभी बैंक को क्रिएट नहीं किया इसलिए मेरा बाई डिफॉल्ट कैश आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जर्नल, इसमें बेसिकली मेरे खर्चों का यानी जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनकी एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री हम जर्नल में, या खर्चों की एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री हम JB जिसे जर्नल वाउचर बोलते हैं, जर्नल के थ्रू हम करते हैं। जैसे कि मेरा BSES का ये बिल है, ये मेरा बिल है, ये बिल है, बिल कितने का है, पैंतीस सौ बीस रुपये का हम JB मारेंगे, मेरा खर्चा है। अब एंट्री मेरा कैसे होगा, यहाँ से अब मेरे पास ये क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरे पास लेजर नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे लेजर कोई शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम Alt+C यहीं पे क्रिएट करेंगे, तो Alt+C मेरा Alt+C जैसे करेंगे तो मेरा लेजर क्रिएट हो, इलेक्ट्रिसिटी EXPENSES। अब ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, तो यहाँ से मैं ग्रुप मेरा किस ग्रुप में जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, कंट्रोल A, ख़त्म, 3520 रुपये, ठीक है। कॉस्ट सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया, ठीक है। क्रेडिट में BSES यमुना पावर 3520 रुपये, ओके। बिल नंबर जो भी है मैंने 1 कर दिया, ये खत्म, मेरा जर्नल के थ्रू ये एंट्री हो गई। इसके बाद सेल, हम मटेरियल अपना सेल करें, सेल बिल किसी को सेल इशू किए तो यहाँ से हमारे पास सेल बिल की एंट्री हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद एफर्ट, क्रेडिट नोट का मैंने अभी इनेबल नहीं किया इसलिए डिसेबल आ रहा है। इसके बाद हम स्टेचरी में जो हम मैंने दिखाया था स्टेचरी में, वहाँ से हम ऐप ये फीचर में से F11 से करके हम वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम मटेरियल परचेज करें, वो परचेज में हम करेंगे, ये है। फिर स्टॉक की क्वेरीज, हम स्टॉक देखना चाह रहे हैं कि स्टॉक का हमारे पास क्या पोजीशन है, यानी कि इस किसी भी पार्टी से, तो वो उसका उस हिसाब से मेरे पास शो करेगा। ये पूरा टैक्स एनालिसिस, कोई भी बाउचर है किसी सिंगल बाउचर में, देखिए जो अभी मैंने बाउचर बनाया इसमें कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं इसलिए यहाँ पे किया। ठीक, अकाउंटिंग इनवाइस एक होता है, अब देखिए ये मेरा डबल अकाउंटिंग सिस्टम से आ रहा है, आप एज इनवाइस करोगे तो सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम से आ जाएगा, यहाँ पे कोई पार्टी का और यहाँ पे कोई आइटम आप डालोगे आपको एंट्री हो जाएगी। हम
लास्ट में हम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। ये कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या चीज़ है कि हम अपनी सेटिंग कैसा करना चाह रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल किसी भी चीज़ का, अलाउ बायर सेपरेट एंड कंसाइनी नेम, यानी कि हम अपना बिल यदि बना रहे हैं कोई भी इनवाइस तो उसमें अभी मैं कहाँ पे हूँ, जिस चीज़ के लिए परचेज के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो मेरा खुला रहेगा उसी के लिए कॉन्फ़िगरेशन खुलेगा। अभी मैं परचेज के लिए तो परचेज से रख कि हम इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स यस हमने किया, अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनर यानी कंसाइन खरीदने वाला और जहां माल जा रहा है दोनों के लिए अलग अलग हम एड्रेस यानी नाम डालना चाह रहे हैं तो यहां पे इनेबल कर देंगे दोनों के लिए अलग अलग। अलाउ लेजर ग्रुप अंडर प्रोविजन में करना चाह रहा है उसके अलाउ करेंगे, डिफ़ॉल्ट एलोकेशन, फिर प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन लेजर नेम यदि ये चीज़ यानी कि ये सारा सब कुछ है। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ एंट्री इंक्लूडिंग GST TDS का इनेबल अदर ऑप्शन, ये सारा मेरे अभी मेरा वाउचर टाइप मेरा परचेज है, अकाउंटिंग वाउचर टाइप परचेज है इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन उसका खुल रहा है। मैं जैसे ही सेल करूँगा तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन ओपन करूँगा तो मेरा सेल से रिलेटेड और सेल और परचेज में ऑलमोस्ट सेम होता है इसलिए इसमें सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने चेंज किया जनरल वाउचर के लिए मैंने किया तो जनरल वाउचर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। जैसे स्किप डेट यदि हम मुझे ज़्यादा है तो हम डेट स्किप करना चाह रहे हैं, यूज डेबिट क्रेडिट यस, उसके बाद ये बैंक यूज सारा ये फीचर्स है। आप उस हिसाब से F12 में हम यहाँ से F12 पे प्रेस करते हैं तो मेरा अदर यानी कि यहाँ पे GST के एप्लीकेबिलिटी या GST से रिलेटेड मेरे सारा इंफॉर्मेशन और वो हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली वो अकाउंटिंग, उसी तरह इन्वेंट्री हम स्टॉक की एंट्री करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र मटेरियल मेरा कहाँ से कंजम्पशन कहाँ पे हुआ प्रोडक्शन और मटेरियल प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है तो उसका हम स्टॉक का हम एंट्री इसमें करते हैं। फिर पेरोल आपको जैसे बता ही दिया कि पेरोल की एंट्री आप यहाँ से करोगे, पेरोल में ज़्यादा तरह की पेरोल में जब एंट्री आप करोगे तो पेरोल में पेमेंट की ही एंट्री करोगे आप, तो पेमेंट की एंट्री के लिए हमेशा आपके पास पेरोल में बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे क्योंकि एंट्री सारा आप वहाँ से डाल दोगे और पेरोल में एंट्री आपके पास सारा डाटा जो आएगा मंथ एंड में, फिर उसके बाद पेरोल के लिए आप पेमेंट की एंट्री एज ए वाउचर करोगे। इंपोर्ट डाटा, मास्टर डाटा, वाउचर डाटा, बैंक सिंक्रोनाइजेशन क्विट में कहा था यहाँ से यदि आप वहाँ से एक एक वाउचर आप क्रिएट करना चाह रहे हो या XML फाइल आपने बना रखी है उसको इंपोर्ट करके सीधे से आपके सारे मास्टर क्रिएट हो जाएंगे। वाउचर्स भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो यदि आप कोई कंपनी एग्जिस्टिंग है वहाँ से आप मास्टर क्रिएट करना चाह रहे हो, फिर उसी हिसाब से एक्सेल पे एम्प्लॉय एंड बैंक डिटेल यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन में क्लाइंट रूल सर्वर रूल, क्लाइंट एंड सर्वर रूल वही है कि आप कंपनी मल्टी यूजर हो और एक जगह आपका मेन हो सर्वर हो और बाकी सारे जितने भी यूजर हो क्लाइंट पे हो तो उनको कनेक्ट करके आप डाटा सिंक करके आप एक जगह क्लाइंट के सारे डाटा सर्वर पे ले सकते हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन होता है। बैंकिंग में फीचर चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, बैंक रिकॉन्स्ट्रक्शन जी BRS हम बोलते हैं, डिपॉजिट स्लिप है उसकी हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। चेक डिपॉजिट स्लिप कोई इसमें है नहीं, कैश डिपॉजिट स्लिप अभी हमारे पास कुछ है नहीं। इसकी तरह ऑडिट एंड कंप्लायंसेस हम यहाँ से मुझे ऑडिट एंड कंप्लायंसेस के लिए हमें ID पासवर्ड क्रिएट करना कंपलसरी होता है तभी हम कुछ इसके फीचर देखें। बैलेंस शीट में मेरा रिपोर्टिंग का पार्ट हुआ, अब देखिए अभी हमने क्रेडिटर क्रिएट किया है 6840 का दिख रहा है जिसमें कि क्या हुआ इसका हमने पेमेंट किया 10,000, हमने बिल कितना कर रेज किया था 3520 रुपये, इसलिए ये नेगेटिव में आ रहा है कि मेरा करंट लाइबिलिटीज़ नेगेटिव नहीं, करंट लाइबिलिटीज़ आपके इस साइड में आती है। उसकी तरह P&L में मेरा खर्चा था केवल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का इसलिए सिंगल एक्सपेंस में चला गया, ये पेबल में P&L में आप देखोगे मेरा सिंगल खर्चा केवल आ रहा है क्या चीज़ 3520 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल का। स्टॉक में मेरा कुछ भी नहीं है, स्टॉक में मेरा एंट्री नहीं होगा। रेशियो एनालिसिस में
अभी मेरा रेसोनेसिस कुछ नहीं हो रहा है, इसमें दिखा रहा है कि मेरा कैश इन हैंड 10,000 रुपये का एंट्री हुआ, 25 वर्किंग कैपिटल 3,520 रुपये का, मेरा सन्ड्री क्रेडिटर नेट है जो कि डेबिट 3,680 रुपये का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जिससे कि मेरा वर्किंग कैपिटल जो एक्सपेंस हुआ उसकी तरह से, फिर इसके बाद करंट रेशियो मेरा क्या है, क्विक रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, मेरा डेट और इक्विटी 0 है, कुछ नहीं बाकी है, डेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं है, ये सारा है मेरा रेशियो एनालिसिस। आप देख सकते हो जो आप 12th में बेसिकली रेशियो एनालिसिस पढ़ते होते हैं, रेशियो का सारा है, जितना ट्रांजेक्शन हो उसके हिसाब से रेशियो अपना निकलेगा। इसके बाद हमारे पास जो फीचर आता है डिस्प्ले, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। डिस्प्ले में आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस देखिए, ट्रायल बैलेंस में मेरे आर एफ ऑन करोगे आपका डिटेल आ जाएगा, डिटेल आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर इतने का है, कैश इन हैंड आपका नेगेटिव में इतना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इतने का है, ट्रायल बैलेंस आपका एज ऑन डेट आ गया, डे बुक देखना है यानी कि एक पर्टिकुलर डेज में आपने कितने एंट्री मारी है, मैंने दो आज के डेट में एंट्री मारी है, दो एंट्री डल गई। जिसके बाद अकाउंट्स बुक्स, अब आपको कैश बुक देखना है, लेज देखना है, ग्रुप देखना है, ग्रुप का वाउचर देखना है, सेल्स रजिस्टर देखना है, परचेज रजिस्टर और जनरल रजिस्टर। अब सेल रजिस्टर मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई एंट्री नहीं हुई, यानी पूरे पीरियड में सेल परचेस मैंने कुछ भी नहीं किया, जनरल रजिस्टर में एक मैंने एंट्री की है, एक एंट्री दिख जाएगी। उसी तरीके से ग्रुप वाउचर में कौन सा ग्रुप देखना है, बैंक ग्रुप देखना है, बैंक ओडी ग्रुप में देखना है, सीसी देखना है, अदर क्रिएटर देखना है, अदर क्रिएटर में दिख जाएगा, दो एंट्री है, दोनों किस रिलेटेड है, BSS यमुना पावर से, ठीक है। कि ये ग्रुप का आपको देखना है, ग्रुप समरी देखना है, उस तरह से ग्रुप को आपको समरी देखना है, तो यहाँ पर ग्रुप का समरी कॉल दिख जाएगा कि नेट इस ग्रुप का नेट अमाउंट कितना पड़ा, वहाँ पर डिटेल था, यहाँ पर डिटेल में करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 10,000 रुपये डेबिट हुआ, 3,520 रुपये का क्रेडिट, नेट इफेक्ट इतना। पर्टिकुलर लेजर देखना है, आप पर्टिकुलर लेजर, आप मेरे पास अभी लेजर 4 दिख रहे हैं, यमुना 2 मैंने क्रिएट किया, 2 बाई डिफॉल्ट टैली के हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का ये पर्टिकुलर लेजर है। तो यहाँ से आप लेजर देखेंगे, कैश एंड बैंक बुक, कैश एंड बैंक बुक में केवल आपके पास कैश की एंट्री हमारे पास है, कैश की हमने एंट्री की है, तो ये मेरा बहुत पीछे। फिर स्टेशनरी मेरे पास GS आउटस्टैंडिंग, परसेंट है स्टैटिक, हमारा कोई बकाया पैसा है, रिसीवेबल है, पेबल है, लेजर में है, ग्रुप में है, रिसीवेबल में कुछ भी नहीं है, अभी मैंने माल सेल नहीं किया है, पेबल में कुछ भी नहीं है, कोई माल मैंने परचेस नहीं किया, लेजर में यमुना पावर में मेरे पास शो कर रहा है कि इसके में मेरे पास पैसा हमने एक्सेस दे रखा है, ग्रुप में फिर अदर क्रेडिटर में मेरे पास वही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास रिसीवेबल या पेबल या ग्रुप में, कॉस्ट सेंटर मैंने क्रिएट नहीं किया, इसको हम बाद में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे फिर इन्वेंट्री बुक, उस तरह स्टॉक की जो एंट्री करोगे उसकी आपको यहाँ से डिटेल मिलेगी, आइटम हो गया, ग्रुप हो गया, स्टॉक ट्रांसफर हो गया, कोई हमने अपने स्टॉक का फिजिकल स्टॉक रजिस्टर आपने मेंटेन कर, तो उसको मूवमेंट एनालिसिस, आप किसी स्टॉक का मूवमेंट कैसे करो उसका एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस यानी ग्रुप वाइज या वो कॉस्ट वाइज एजिंग एनालिसिस हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री, कॉस्ट एस्टिमेशन, स्टैटिक्स हो गया इन्वेंट्री का, फिर पेरोल में आपका पेरोल में किस एम्प्लॉय में क्या जाता है, टैक्स, तो इनकम टैक्स से यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन, स्टेशनरी और रिपोर्ट में GST TDS, स्टेशनरी में आपके पास क्या है, आप सबसे बड़ा है GST TDS आप कितना आप जिस पे लाइबिलिटी काट रहे हो, फिर पेरोल में स्टेशनरी में आपको 3-4 हो गया, प्रोग्राम में एम्प्लॉय और स्टॉक NFI और ग्रेच्युटी और इनकम टैक्स है, तो आपको फिर TCS टैक्स कलेक्शन एंड सोर्सेस जो कि है। इसके बाद कैश फ्लो एंड फंड फ्लो कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, वो कंपनी से फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ ड्यूरिंग द पीरियड में कितना का आपके पास पैसा आया है और कितना पैसा गया है, केवल कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन वो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर पेरोल रिपोर्ट्स में हमने कोई डाटा नहीं इसलिए हम कुछ भी नहीं। लिस्ट ऑफ अकाउंट है कि हमारे कंपनी में कितना लेजर्स हमने क्रिएट किया है, उस सारे लेजर्स का एक जगह पूरा हेड शो करेगा। इसमें ज़्यादातर है हेड्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टैली के, मैंने 2-3 बनाया,
एक तो अदर मैंने ग्रुप बनाया, फिर बीएससी सेमना पावर, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तीन मैंने लेजर कैलकुलेट किए हैं, बाकी ये सारे बाय डिफॉल्ट टैली ने दिए हैं। एक्सेप्शनल रिपोर्ट में निगेटिव, यानी कि जो हमारे पास निगेटिव रिपोर्ट आई थी या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसलिए निगेटिव स्टॉक हुआ, स्टॉक या कोई लेजर का निगेटिव बैलेंस है, ओवर ड्यू रिसीवेबल हमारा कोई पैसा बाकी है लेकिन वो काफ़ी ड्यू डेट से भी हमने ड्यू डेट फिट किया, ड्यू उससे ऊपर जा रहा है, फिर ओवर ड्यू पेबल कोई ड्यू डेट से ऊपर पेबल जा रहा है, वो मेमोरेंडम वाउचर, वाउचर के मेमोरेंडम कैंसिल वाउचर, हम कितना वाउचर को कैंसिल किया, पोस्टेटेड एंट्रीज और ईमेल आईडी सीधी हमारे पास हैं, तो वो सारा हम एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में शो दे सकते हैं, हैं तो इस और यहाँ से हम क्विट करेंगे तो हम इसे बाहर आ जाए। तो ये हमारे पास फीचर हुआ और लास्ट में हमारे पास मल्टी, हम कि मल्टी अकाउंट को हम एक साथ में प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करने का मेरे पास ऑप्शन आता है कि एक सिंगल लेजर को हमें प्रिंट करना है, यहाँ पे ऑल अकाउंट, यहाँ पे जैसे हम प्रिंट करेंगे तो जितने भी मेरा लेजर होंगे वो सारे ग्रुप को वाइज करना है, तो ग्रुप वाइज हमारे एक ग्रुप में जितने भी लेजर होंगे तो टैली हमें मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग का ऑप्शन देता है कि हम एक ग्रुप के या एक अकाउंट या सारे लेजर एक साथ में हम प्रिंट कर सकते हैं, या डे बुक हम प्रिंट कर सकते हैं, इन्वेंटरी बुक कर सकते हैं, मल्टी वाउचर प्रिंटिंग करें, मल्टी पे स्लिप परचेस करें, प्रिंट करें, यानी कि मेरे कंपनी में 100 एम्प्लॉई हैं, 100 का मुझे एक ही साथ में पे स्लिप प्रिंट करनी है, सबका यही से मल्टी पे स्लिप करूँगा, सारे एम्प्लॉई का मेरे पास पे स्लिप आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यदि मुझे सिंगल करना है तो बेसिकली एक सिंगल एम्प्लॉई के पेरोल में जाके उसको सिंगल में प्रिंट करना होता है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा बेसिक्स अबाउट टैली, कैसे यूज करें, क्या क्या चीज़ फंक्शन होता है, उनका क्या यूज होता है, जिसको कि हमने आपको बताया। आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, आप अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।